सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चिलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज बहुत टाइम के बाद में यहाँ पे ठंडी सड़क पे आए हैं और ठंडी सड़क से आज इस वीडियो की शुरुआत को कर रहे हैं। संडे का दिन है तो संडे के दिन आज हमने प्लान किया कि कहीं एक अलग जगह से हम वीडियो की शुरुआत को करते हैं और मिष्टी के साथ संडे का इन्जॉयमेंट के लिए अब हम आ चुके हैं ठंडी सड़क में। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को, दिखाते हैं आपको कैसा है मल्लेताल का और नैनीताल का आज का हाल। और बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर डालिए। देखिए नैनीताल में धीरे धीरे कोहरा आ रहा है। आज सवेरे से ही मौसम बिल्कुल अलग ही तरह का हो गया था, कोहरा लग गया था। बीते तीन चार दिन तो अच्छी खासी धूप आई नैनीताल में, और अब आज देखिए कैसे तल्लीताल की साइड से कोहरा आ रहा और कितना शानदार नज़ारा देखने को मिल रहा है बोटिंग करते हुए एक पैडल बोट में, और साथ में नैनीताल को कोहरे के आगोश में समाने के लिए कोहरा नैनीताल में आ रहा है। कुछ जगहों पर हालांकि बादल हट गए हैं, मल्लेताल की साइड को तो हल्के हल्के बादल और साथ में नीला आसमान दिख रहा है, लेकिन ये तल्लीताल की एरिया में देखिए कितना तगड़ा घना कोहरा यहाँ पर आ रहा है। तो मिष्टी चढ़ने की करिए तैयारी, कचाओ करो करो, हाँ कर तैयार। देखो जगह बनाओ पैरों को रखने के लिए, हाथ को सही से वो करो करो। ये तो बहुत छोटी सी वो है, इस पर तो हाँ करो चढ़ने की करो करो करो। मिष्टी में शर्म लग जाती है जल्दी, तो फिर पैर बनाओ। क्यों नहीं हो रही है, पूरी जगह है, देखो ट्राई करो। ये तो बहुत छोटी चट्टान है, हाँ कोशिश करो। हाँ तो ये देखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ चलो 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 नीचे, मम्मी खड़ी है, खड़े हैं हम लोग, करो करो। हाँ चढ़ो चढ़ो चढ़ो, पीछे नहीं देखते हैं, चट्टान में चढ़ते सब। अब इस पर स्टॉप पे आना है, स्टॉप पे आ जा। तो ये मिष्टी ने मारी जंप डरपोका नन्द ने। तो ठंडी सड़क पे हम लोग अब आगे को बढ़े मल्लेताल की साइड को। शाम का समय है तो क्या खाना है न? तो धीरे धीरे कोहरा फैल रहा है, और ये सामने का तल्लीताल लोअर डांडा का हमारा, ये इधर हमारा ये पुराना वाला घर है। तो देख हमारा जो पुराना वाला घर है वो सामने उधर की साइड को, तो पूरा कोहरा आ गया। मैं रुता नहीं असोला, वो देख उधर की साइड को ऐसा क्यों लग रहा है, हिल रहा है क्या? हिल रहा है, देख नहीं ये ऐसा लग रहा है। भूकंप तो नहीं आ रहा है, भूकंप तो नहीं आ रहा है, मुझे तो लग रहा है भूकंप आ रहा है। तो यहाँ पे मेजर राजेश अधिकारी जी के नाम पे एक स्टोन यहाँ पे लगाया गया है, और एक बहुत ही शानदार जगह है यहाँ पे, बहुत ब्रिटिशर्स के टाइम से बनी हुई, डेक होता था पहले से। और ये देखिए यहाँ से नैनीताल की लेक का नज़ारा बिल्कुल एक अलग ही तरीके से दिखता है। तो ये बैठने की जगह है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं ऐसे लेक के किनारे, और यहाँ पे से आप बैठ करके, स्टेप्स बनी हुई हैं बहुत सारी। हाँ क्या है सबसे अच्छी बात? हाँ लेकिन सबसे बड़ी एक और चीज़ है कि देखो गंदगी, और उस पर भी बड़ी गंदगी की चीज़ है कि लोग यहाँ पे बैठ के बियर पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डाल रहे हैं, ये कचरा, और फिर सीधे झील में
दादा कैसे हाल चाल? वोट चल रहा है? एकदम बढ़िया। और क्या हो रहा है? बढ़िया हो रहा, घुमाई शाम को लेक करो, लेक राउंड। ओके, तो ये देखिए गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, सारी तालाब में जा रही है। इन चीज़ों को नोटिस करने का पॉइंट्स हैं कि ये बैठने के, नेचर को निहारने की जगह है, ना कि इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे आप कंज्यूम करें। पब्लिक प्लेसेस हैं जो सामने देखो, लाइब्रेरी की चमक रही है, अलग ही आइडेंटिफाई हो रही है कि नहीं। और घर की साइड को देख, घर वो दिखा वो सामने। आर यू डूइंग वॉक? आर यू मिस्टी की वॉक करते हुए भी पढ़ाई चालू हो रही है, है? बता तो जरा, घूमने आई है, वॉक करने आई है, कुछ पढ़ाई करने थोड़ी आई है। और पीछे से एक टीचर चालू है बस, है कि नहीं। तो ठंडी सड़क में तो घूमने का एक अलग ही मज़ा रहता है, क्यों? यहाँ पे मज़ा आता है घूमने में, वॉक करने में। बीच में तो काफ़ी ख़राब हो गई थी है, अब तो फिर भी सही हो गई है। सीवर लाइन पड़ रही थी यहाँ पे, तो उस कारण से यहाँ पे ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चलने लायक भी नहीं थी। और फिर बरसात में तो और ज़्यादा वो लग रहा था। तो बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने के बाद आ रहे होंगे मिस्टी हम लोग यहाँ पे, है ना? कितना है फिर? दो एक महीना। चलो मीठी, एक चीज है नैनीताल में ना, हर जगह से एक अलग ही व्यू नहीं दिखता ना, अलग अलग ही तरह से दिखता है ना। अब मम्मी को देहरादून पसंद आता है, मिष्टी को दे, और पापा को नैनीताल पसंद आता है। तो ठंडी सड़क में ये बहुत ही घना जंगल भी है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी स्पीशीज हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं यहाँ पे, तो बहुत घना जंगल रहता है। और बड़ा मज़ा आता है जब हम यहाँ पे वॉक करते हैं। तो हम पहुँच गए भुटिया मार्केट में, और भुटिया नहीं, तिब्बतन मार्केट, सॉरी तिब्बतन नहीं है। तो यार ये तो पालिका मार्केट थी ना, तो यहाँ से कहते हैं एक्चुअली। चलो तो हम पहुंच गए भुटिया मार्केट में, और अब मिस्टी को खाना है थोपा। तो कहाँ खिलाएं इसको आज थोपा? तो काम करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं, अभी मिस्टी को खिलाते हैं नहीं खिलाते हैं। तो आज तो बहुत ज़्यादा रश है, आज आप देख सकते हो शाम को ही बहुत अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर नैनीताल में। टूरिस्टों की काफ़ी संख्या देखने को मिल रही है, और वैसे भी संडे का दिन है तो संडे को अच्छा खासा रश देखने को मिल जाता है। एक सेकेंड यहाँ देख, इधर है, कैसे ठीक है? कौन सा कैसे मिस्ट ये अलग से लगता है? हाँ ये तो एक बार फिर उधर की साइड को आ गए हैं, कुछ तमंग मोमोज की ओर को जा रहे हैं हम लोग। पीछे है कहाँ? पीछे है तमंग मोमोज, पीछे वाली मार्केट में। क्या आज ये लेते हैं चूरन? आइए चूरन लेंगे यार, क्यों? सामने देखो वहाँ पे को तमंग मोमोज सामने दिख रहे हैं। तेरे स्कूल में भी तो आए थे, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और ढेर सारा सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।